गुनाहों का हाल ये है कि गुनाह कल तक दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे और अब गुनाह हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, हमारे शबिस्तानों के अंदर गुनाह दाखिल हो चुके हैं। हर शरीफ बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बच्चियों का क्या होगा, आने वाले कल में मेरे बच्चे ईमान वाले रहेंगे या ईमान से दूर हो जाएंगे, आने वाले दौर में मेरे बच्चे नेक रहेंगे या नेकी से दूर हो जाएंगे। और आप देख भी रहे हैं ऐसे बच्चे जिन बच्चों के बारे में माँ बाप कभी बड़े फख्र के साथ साथियों की महफिल में कहा करते थे कि मेरा बच्चा तो बड़ा नेक है, मेरा बच्चा तो बड़ा परहेजगार है, मेरा बच्चा तो बड़ा मुत्तकी है, मेरा बच्चा तो बड़ा बाखलाक है, मेरा बच्चा तो बड़ा बाकिरदार है। माँ कहती थी कि मेरी बेटी तो बड़ी पर्दे की पाबंद है। लेकिन जब ये सारी चीजें तारीफ के हवाले से देखी गई तो तारीफ के पीछे फिर ये नजर आया कि जिस बच्ची की तारीफ और जिस बच्ची के किरदार के हवाले से घर के लोग बहुत नाज करते थे, वो किसी के साथ जाती हुई नजर आई, वो किसी का हाथ पकड़ करके भागती हुई नजर आई। इन हालात के अंदर ऐसे नौजवान जिनकी बड़ी तारीफ होती थी, गलत सोबत की वजह से कोई नौजवान जो है अल्लाह अकबर नशे के दलदल में नजर आया, कोई शराब के दलदल में नजर आया, कोई जिना के अड्डे पे नजर आया, कर्ज के इंसान जो है गुनाह की तरफ तेजी के साथ जो है गोया के उसके दलदल की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। हर आने वाला दिन इंसान को गुनाहों के दलदल में डुबो रहा है, हर आने वाला दिन नौजवान नस्लों को गुनाहों के हवाले से तबाह और बर्बाद कर रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जानते हैं जब भी आंधी आती है, जब भी तूफान आता है, जब भी हवाएं तेज चलती है तो होता क्या है, किसी ना किसी हल्की चीज को किसी भारी चीज का सहारा लेना पड़ता है। और जो हल्की चीज किसी भारी चीज के सहारे अपने आप को संभाल लेती है तो तूफान फिर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आंधी उसको तबाह और बर्बाद नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर एक पत्ते ही को ले लीजिए, एक पत्ता है और वो पत्ता सूख चुका है, वो पत्ता दरख्त से टूट चुका है, लेकिन जब हवा तेजी के साथ चलती है, आंधी तेजी के साथ चलती है तो कागज हो या पत्ता हो या कोई हल्की चीज हो इधर से उधर उड़ा कर ले जाती है, उधर से इधर उड़ा कर ले जाती है। अल्लाह अकबर कर्ज के, अल्लाह अकबर पत्ते ही का हाल देख लें कि पत्ते का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन अगर वो पत्ता किसी भारी भरकम लोहे के नीचे या किसी दरख्त के नीचे अपने आप को दबा ले तो फिर आप देखें वो पत्ता किसी भारी चीज के नीचे दबने की वजह से, किसी भारी भरकम चीज के नीचे आने की वजह से, अब अल्लाह अकबर वो पत्ता जो थोड़ी देर पहले अल्लाह अल्लाह किसी हवा के दोष पर कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कर्ज के उसका कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने किसी भारी भरकम पत्थर या लोहे को अपना जो है वो मस्कन बना लिया और उसके पीछे रुक गया तो उसका क्या हाल होता है, फिर उसकी क्या शान होती है, फिर कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, कितनी बड़ी आंधी आ जाए, लेकिन फिर उस पत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हालात का अंदाजा था। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अकबर गैब पर मुत्तला फरमाया था। जितना चाहा अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब अता किया, जितना चाहा अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म अता किया, जितना दिया देने वाला खुदा जानता है और जितना लिया लेने वाले मुस्तफा जाने रहमत जानते हैं। अल्लाह अकबर, अगर आपने ये बात समझ ली कि पत्ते को हवा जब इधर उधर लेकर जाती है तो पत्ते को तलाश होती है किसी न किसी भारी चीज की, बिला तमसील गुनाहों का तूफान, फितनों का सैलाब, जराइम का तूफान जब इंसान को इसके दर से उसके दर, उसके दर से उसके दर और दर बदर लेकर के भटक रहा है, ऐसे हालात में भी कोई ना कोई भारी चीज की जरूरत
होगी, कोई ना कोई मजबूत चीज की जरूरत होगी। अल्लाह अकबर, तूफान के अंदर जब कोई भारी चीजें थाम ली जाती है तो इन अल्लाह अल्लाह वो पत्ता और वो कचरा भी महफूज हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने बदअकीद की फितने और गुनाहों के इस तूफान के लिए इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम में भी दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। तूफान में भारी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं भी एक नहीं बल्कि दो दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। और फरमाया, जब तक के तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम कभी गुमराही के दलदल में फंस नहीं सकते। वो कौन सी चीज है? फरमाया, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। इन दोनों का दामन पकड़ करके रखना, कुरान को भी पकड़ के रखना और अहलुल बैत को भी पकड़ करके रखना, गुमराह नहीं हो सकते। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह की किताब को पकड़ो। जो अल्लाह की किताब को मजबूत से पकड़ेगा, मजबूती से पकड़ेगा, अल्लाह की किताब में मौजूद है, नाप तौल में कमी ना करो तो वो नाप तौल में कमी नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की किताब में मौजूद है कि लोगों के साथ मीठी गुफ्तगू करो, वकुलु कौलन सदीदा, तो वो लोगों के साथ मीठी गुफ्तगू करेगा। कुरान का जिसने दामन पकड़ लिया वो बीवी पे जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि कुरान में मौजूद है हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, के शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। जो कुरान का दामन पकड़ लेगा, कुरान का दामन थामने के बाद कुरान कह रहा है इधर उधर देखकर चक्कर मकर करके नहीं चलना, आंखों को आवारा नहीं करना, बल्कि चलने का अंदाज क्या होना चाहिए? कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। अल्लाह अकबर, जो कुरान का दामन पकड़ ले तो कुरान उसको कह रहा है अकड़ कर मत चलो, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, कि जमीन पर अकड़ करके मत चलो। मेरे आका ने सलाम के प्यारे दीवानों, कर्ज के अल्लाह अकबर, जो कुरान का दामन पकड़ ले, जो कुरान का दामन थाम ले, अल्लाह अकबर, वो जराइम नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। जो कुरान का दामन थामेगा वो तन्हाई के अंदर भी गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा कुरान कह रहा है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। मगर अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस की 6666 आयतें कमोबेश इंसान को पुकार पुकार कर ज़ाब्ते हयात दे रही है, जिंदगी गुजारने का तरीका दे रही है, जिंदगी गुजारने का सलीका दे रही है, ये कुरान है। लेकिन कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना तो नहीं आता, मुझे अरबी जबान तो नहीं आती। तवज्जो फरमाएं मेरी कौम के जवानों, हुजूर अलैहि सलाम ने किताब अकेले नहीं दिया बल्कि किताब के साथ अहलुल बैत भी दिया, तो आखिर कुरान के होते हुए अहले बैत की क्या जरूरत थी? तो याद रखना, कुरान के बारे में कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मौलाना मुझे अरबी जबान नहीं आती, मौलाना मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने एक कुरान वो दिया, अल्लाह अकबर, जो ताकों पे रखने वाला है, और एक कुरान नातिक उसको दिया जो रसूलुल्लाह के कंधों पर बैठने वाला। सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह। जसपुर जसपुर वालों, ये कोई सियासी महफिल नहीं है और ना हम कोई सियासी लोग हैं, हम लोग तो लोग तख्त ताज के उसूल के लिए महफिलें सजाते हैं और मखदूम सिमना के गुलाम तख्त ताज को ठुकराने का हौसला रखते हैं। यहाँ पर उलमाए किराम और सादात किराम मुफ्तिया निजाम भी मौजूद है, सैयद साहब सैयद यासीन बापू हमारे बड़े भाई भी इस महफिल में तशरीफ लाए। और एक बात याद रखना, बारान रहमत का नुजूल से दिल छोटा मत करना। बुजुर्गों ने फरमाया, जब किसी नेक काम पर बारिश हो जाए समझ दो कि वो काम अल्लाह ने तुम्हारा कबूल कर लिया है। जसपुर वालों, महफिलें मुनक्किद हुई है होती रहेगी, लेकिन आंखों से देख लो कहा जाता है कि रहमत बरसती है। अब तक ना दिखने वाली रहमत देखा था, अब दिखने वाली रहमतों का नुजूल देख लो। ये इमाम अली मकाम का सदका है। तो जल्दी जल्दी मैं अपनी बात पूरी करूं, इसलिए कि आपको ज्यादा इम्तिहान में नहीं रखा जाएगा, आपको ज्यादा आजमाइश में नहीं रखा जाएगा। हजरत मौलाना हाशिम काशीपुरी साहब से उनका खिताब सुना, हजरत अल्लामा जाहिद रजा नूरी साहब किबला और मुफ्ती साहब किबला सब लोग यहाँ पर मौजूद है। आप जरा तवज्जो फरमाए, वो कुरान तवज्जो करे, वो कुरान तवज्जो करे, वो कुरान। लोग कहते हैं करबला इतने शब्दों मत से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला इतनी तफसील से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला कितनी तशरीह करने की क्या जरूरत है। हो गई शहादत, हो गई शहादत, हो गई बात खत्म हो गई। एक बात आपसे कहूं, किसी की शहादत पर तवज्जो करें, आप चुप रहे सब लोग। अरे कोई किसी को कुछ ना कहे, अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, जो जिस हाल में उसी को उसी रहने दो। आप भी बैठ जाए, बैठ बैठ जाए, सब बैठ जाए। बस जिसकी महफिल है उसने संभालना है महफिल, जिसके उसने संभालना है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المادن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله। दुरूद शरीफ पढ़ने तो जरा समझ में भी आए, बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद शरीफ। اللهم صل على आवाज नहीं आ रही दुरूद शरीफ पढ़ने की, बुलंद आवाज से आशिकों की तरह हुसैनियों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المادن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم। तो अर्ज ये कर रहा था, आखिर ये बात होती है कि इमाम अली मकाम की शहादत इतनी शद्दोमद इतनी तफसील इतनी शरोबस्त के साथ क्यों बयान की जाती है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो मैं आपके सामने अर्ज करूं, किसी और की शहादत पर भी तो ऐसी निशानियां रूनुमा नहीं हुई जैसी निशानियां इमाम इनकी शहादत पर रूनमा हुई। वो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिख रहे हैं, तारीख खुल्फा में इमाम सुयूती लिख रहे हैं, आईने कयामत में उस्ताद जमन लिख रहे हैं, सदुल फाजिल सवाने जो वो सवाने करबला में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान से खून की बरसात हुई, आसमान से खून बरसा। आप याद रखें तारीख में सब बड़ी बड़ी शहादतें हैं, सारी शहादतें सर आंखों पर है, लेकिन हजरत अमीर हमजा की शहादत कितनी दर्दनाक शहादत है। अमीर हमजा की शहादत पर खून की बरसात नहीं हुई, हालांकि वो बहुत बड़ी शहादत थी। इतना जरूर कह दूं, उस शहादत पर रसूलुल्लाह के आंसुओं की बरसात तो हुई है, लेकिन आसमान से खून की बरसात नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरह और शहादतें देख लें, तीन दिन या सात दिन तक आसमान से खून की बरसात होती है। अगर आप कहना चाहें तो यूं कह सकते
कहते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत वो शहादत है जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान खून के आंसू रोए उसे इमाम हुसैन की शहादत कहते हैं। इसी तरीके से आप देखें अल्लाह अकबर बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर उठाया जाता ताजा खून नजर आता निकलता हुआ, ये किसी और की शहादत पर ये निशानी नजर नहीं आई। मशहूर यही है कि ये इमाम हुसैन की शहादत। और भी मजीद चीजें, जब सूरज को ग्रहण लग गया, तारे आपस में टकराने लगे, दिन के वक्त रात का समा नजर आने लगा, इमाम बहकी ने इसको बहुत तफसील के साथ जो है वो लिखा है। इसी तरीके से इमाम सुयूती ने भी लिखा है। लेकिन अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर इमाम हुसैन की शहादत पर इतना जलाल, इतने गुस्से का इजहार क्यों किया जा रहा है? एक और हदीस सुन ले जो सियाह सित्ता में मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें बिखरी बिखरी है, हुजूर की जुल्फें बिखरी बिखरी है, आंखों से आंसू जारी है, और हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम के दामन पर जो है वो अल्लाह अकबर गर्दो गुबार हुजूर के दामन को बोसे दे रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता कि दामन मैला कुचेला हो गया? खुदा की इज्जत की कसम, जिसके दामन की इस्मत ने पूरी कायनात को पाकीज़गी अता फरमाई है, वो दामन मैला कुचेला कैसे हो सकता है? लेकिन सिर्फ सुनने वालों को पता चल जाए कि दामन की कैफियत क्या थी। अल्लाह अकबर इब्ने अब्बास के फरमान का मफहूम है, मैंने देखा जुल्फे बिखरी है, जिसको मालूम है उसको मालूम है, जो नहीं जानता वो सुन ले, मुस्तफा जान रहमत की जुल्फे कभी नहीं बिखरा करती थी। लोग सोते हैं तो सोते में आदमी के बाल बिखर जाते हैं, लेकिन ये मेरे नबी का मौजजा है, सोने में भी हुजूर की जुल्फे कभी नहीं बिखरा करती थी। बहुत तफसील से मैंने इसको कई मकाम पर बयान किया, आज वक्त बचाने के लिए तफसील नहीं पेश करता, सिर्फ इतना इजमाल पेश करता हूँ, हुजूर की जुल्फे क्यों नहीं बिखरा करती थी? वजह ये थी, बद्र ओहद का हंगामा भी हुजूर की जुल्फों को नहीं बिखेर सका, अल्लाह अकबर खंदक और खैबर की मुसीबतें भी हुजूर की जुल्फों को बिखेर नहीं सकी, मगर अल्लाह अकबर क्यों जुल्फे नहीं बिखरती थी? तो मेरे इमाम कहते हैं, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसु। किसी के बाल माँ संवारती है, किसी के बाल बाप संवारता है, किसी के बाल भाई बहन संवारते हैं, किसी के बाल वो खुद संवारता है, लेकिन हुजूर की जुल्फे वो थी, शाने पंजे कुदरत ने उनको संवारा था, कुदरत के हाथों ने उन बालों को संवारा था। इसलिए बद्र हो, उहद हो, खंदक हो, खैबर हो, हुजूर की जुल्फे बिखरा नहीं करती थी, मगर अल्लाह अकबर बद्र उहद के हंगामे खंदक और खैबर की मुसीबतें जिस रसूल की जुल्फे को बिखेर न सकी। आज अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं हुजूर की जुल्फें बिखरी बिखरी है, हुजूर के दामन पर अल्लाह अकबर गर्दो गुबार बोसे दे रहे हैं, खून के छींटे हुजूर के जुब्बे पर हैं, हुजूर अलैहि सलाम की दाढ़ी आंसुओं से तर है। मैंने पूछा अल्लाह खैर करे या रसूल अल्लाह, खुदा आपको वो दिन न दिखाए अल्लाह अकबर जिसमें आपको तकलीफ हो। या रसूल अल्लाह आज आपकी दाढ़ी बिखरी है, आज आपकी जुल्फें बिखरी है, आज आपकी आंखों में आंसू है, आज आपके दामन पर खून के जो है वो आसार है, आपके दामन पर गर्दो गुबार है, या रसूल अल्लाह वजह क्या है? तो हुजूर अलैहि सलाम के हाथ में एक बोतल थी, हुजूर ने वो बोतल दिखाई और बोतल दिखा करके फरमाया अब्दुल्ला सुबह से लेकर अब तक मैं हुसैन के मक्तल में था, अब्दुल्ला सुबह से लेकर अब तक मैं हुसैन के मक्तल में था, हुसैन की कत्लगाह में था, हुसैन और उसके साथियों का खून उठा उठा करके इस शीशी में इस बोतल में जमा कर रहा था। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने दिन तारीख को नोट कर लिया, और जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर आई तब पता चला कि जिस वक्त मैं ख्वाब देख रहा था उसी वक्त इमाम अली मकाम की शहादत भी थी। ऐसा ही ख्वाब सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा भी बयान करती है। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, क्या किसी की शहादत के मौके पर हुजूर इस तरह खून समेटते नजर आए? क्या किसी की शहादत के मौके पर इस तरह जुल्फें बिखरती नजर आई? किसी की शहादत के मौके पर इस तरह दाढ़ी बिखरती नजर आई? ऐसा क्यों हुआ? और याद रखना, फिर शहादत भी घर के
करीब नहीं है, शहादत का भी घर के करीब नहीं है, बहुत दूर लाया जाता है, मैदान में ठहराया जाता है, 22,000 के लश्कर को 72 से मुकाबला करवाया जाता है और 3 दिन भूखा प्यासा रख करके दर्दनाक अंदाज में शहादत होती है। वजह क्या थी? मैं फलसफे शहादत नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूँ। करबला सुनने के लिए आने वालों, करबला की दास्तान सुनने के लिए आने वालों, इमाम हुसैन का पैगाम सुनने के लिए आने वालों, मुझे बताओ कोई ये कह सकता था कुरान और अहले बैत को आका ने छोड़ा है तो कुरान तो मुझे पढ़ना नहीं आता? तो गोया के बताया जा रहा है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जो कुरान नहीं जानता वो करबला में किरदार हुसैन देख ले, उसको समझ में आएगा कि कुरान का तर्जमा क्या है। कुरान ताकों में रखा जाता है, हुसैन को कंधों पे बिठाया जाता है, कुरान नमाज में पढ़ा जाता है लेकिन हुसैन के लिए सजदे तवील कर दिए जाते हैं, कुरान मिंबर पर से उसका पैगाम पहुंचाया जाता है, हुसैन के लिए मिंबर छोड़ के जमीन पे आया जाता है, कुरान को सीने से लगाया जाता है, हुसैन को जबान चुसाया जाता है, गोया के कुरान को जबान पे रखा जाता है और जबान पर हुसैन को रखा जाता है। अंदाजा तो फरमाए किस तरीके से खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह अकबर, जिसके जिस सीने में कुरान आ जाए वो सीना रोशन हो जाता है। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं, हुसैन पाक इतने खूबसूरत थे कि रात के अंधेरे में जब गलियों में चलते थे तो चेहरे से ऐसी रोशनी निकलती थी कि उस रोशनी में लोग सफर तय करते हुए नजर आया करते थे। कुरान भी नूर है, हुसैन भी नूर है, कैसा नूर है? तो मेरे इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसने सिद्दैन उनके जामों में है नीमा नूर का। अब मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको पकड़ना गुमराह नहीं हो सकते, एक कुरान है दूसरी मेरी अहले बैत है। इमाम मैदान में आए और मैदान में आने के बाद वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम, वक्त का सबसे बड़ा गुंडा, वक्त का सबसे बड़ा पलीद, वक्त का सबसे बड़ा दीन का दुश्मन यजीद पलीद लईन के सामने मुकाबले के लिए खड़े हुए। अब जरा तवज्जो करना, मुसलमानों गौर करना, मेरी कौम के जवानों गौर करना, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम मिशन लेकर करबला में आए। कौन सा मिशन? दीन को बचाने वाला मिशन। कौन सा मिशन? दीन के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? शरीयत के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? गल्बे दीन का मिशन। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आका अली सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है दूसरी मेरी अहले बैत है। और फिर अहले बैत से मोहब्बत के बारे में इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी, फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, ऐ लोगो मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अपनी गोद में अहले बैत को बिठा कर फरमाया लोगो मैं अपनी अहले बैत तुमको बतौर अमानत सौंप करके जा रहा हूँ, मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ तुम क्या सुलूक करोगे ये मैं देखूंगा, मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में मेरे नायब बनना, जैसे मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ तुम भी अहले बैत से मोहब्बत करना। अब आपसे पूछना चाहता हूँ मोहब्बत अहले बैत की दावत इतनी ज्यादा क्यों दी गई, बल्कि यहाँ तक फरमाया खास तौर पे अहले बैत में इमाम हुसैन के बारे में, हुसैन व मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरा है मैं हुसैन का हूँ। और फिर क्या फरमाया अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैन, कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, यानी अल्लाह का महबूब बनना है तो मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। अब आपसे पूछना चाहता हूँ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत से प्यार करने वालों, आप मुझे बताओ जिस चीज से जिसको मोहब्बत होती है वो उसकी नकल करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को किसी आलिम से मोहब्बत है तो वो आलिम की नकल करेगा, किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत है वो क्रिकेटर की नकल करेगा, किसी को हीरो से मोहब्बत है वो हीरो की नकल करेगा, किसी को बाप से मोहब्बत है वो बाप की नकल करेगा, किसी को माँ से मोहब्बत है वो माँ की नकल करेगा, किसी को टीचर से मोहब्बत है वो टीचर की नकल करेगा। गर्ज के मोहब्बत इंसान को नकाल बना देती है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के
अंदाज में चलता है, उसी के अंदाज में बोलता है, उसी के अंदाज में सोच बनती है, उसी के अंदाज में फिक्र बनती है, उसी के अंदाज में तखज्जुलात और तसव्वुरात का माहौल क्रिएट होता है। आपसे पूछता हूँ ऐ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, मेरे आका ने तो ये फरमाया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बताओ मौला हुसैन से प्यार करते हो, मौला हुसैन से मोहब्बत करते हो? यकीन जाने पूरी दुनिया के अंदर इंसान इमाम अली मकाम से मोहब्बत का बड़ा दावा करता है, लेकिन एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ हजारों के इस मजमे में, ऐ आशिकान रसूल, ऐ आशिकान हुसैन, मुझे बताओ जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आखिर हमारी जिंदगी के अंदर वो चीजें क्यों नजर आती है? जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आज वो हमारी जिंदगी में क्यों है, वो हमारे माशरे में क्यों है, वो हमारे समाज में क्यों है? आप कहेंगे कौन सी चीज से नफरत की है और कौन सी चीज हमारे माशरे में और समाज में मौजूद है? आइए मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें मैं गिनाता हूं, उसके बाद हम खुद ही सोचेंगे। ज्यादा देर तक आपका इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन तवज्जो करना, ऐ इमाम हुसैन के नाम पर इस महफिल में आने वालों, खड़े रहकर बैठ करके तकलीफ में गुफ्तगू सुनने वालों, याद रखना इमाम से सच्ची मोहब्बत कर लो, क्योंकि इमाम की मोहब्बत का सिला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा जन्नत में जहां मैं मोहम्मद रहूंगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी मेरे साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान इस मोहब्बत का नारा रिसाला अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब चिवला। इस मोहब्बत का सिला क्या है? हुजूर के साथ जन्नत में जाओगे, लेकिन मोहब्बत करो, मोहब्बत के नाम पे चीटिंग ना करो, मोहब्बत के नाम पर हेरा फेरी ना करो, मोहब्बत के नाम पे दिखावा मत करो, मोहब्बत करो अल्लाह अल्लाह। अब देखो मोहब्बत का तकाजा ये है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके तरीके पर अमल करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो जिस चीज से नफरत करे उससे नफरत करता है। मिसाल के तौर पर हदीस में पढ़ता हूँ, देखो मोहब्बत का मफहूम समझ में आएगा। अल्लाह हू अकबर, मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, मदीने की सरजमीन पर एक शख्स अपनी ऊंटनी को पाजेब पहना करके, अपनी ऊंटनी को पाजेब पहना करके ले करके जा रहा है। पाजेब समझते हैं पैर के अंदर, बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ, पैर के अंदर जो घुंघरू बांधे जाते हैं उसको पाजेब कहते हैं। पाजेब किसको पहना के ले जा रहा है? ऊंटनी को। तवज्जो करना, माएं और बहनें भी मौजूद है उनकी भी तवज्जो। ऊंटनी को पाजेब पहना कर ले जा रहा है, छम छम की आवाज ऊंटनी के पैर में बंधे हुए पाजेब और घुंघरू से आ रही है। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका ने जैसे ही घुंघरू की और पाजेब की आवाज सुनी, फौरन कान पर हाथ रख लिए और अपनी कनीज से कहा, जाओ उस ऊंटनी वाले को मेरा नाम कहना और मेरा नाम लेकर के कहना, खबरदार ऊंटनी रोक दे, जब ऊंटनी वो रोक दे मेरे नाम से तो उससे कहना पाजेब उतार दे, और पाजेब उतारने के बाद उसको कहना जिस आवाज को अल्लाह के रसूल ने नापसंद किया है उस आवाज को आयशा कभी पसंद नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों गौर से सुनो, हदीस पर तवज्जो करो, याद रखना आज कोई अपने आप को कुछ भी टाइटल दे दे, जमीन के अंदर जाने के बाद पोल खुलेगी कौन क्या था। जबान से बड़े बड़े दावे करने वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह के यहाँ है, अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, अल्लाह के यहाँ चेक करने का मामला है। आदमी अपने आप को जो चाहे कह ले, अल्लाह हू अकबर। ऊंट के पैर में पाजेब बंधे हैं, उन पाजेब के बारे में उम्मुल मोमिनीन ने कान पर हाथ रख लिया। कनीज जाती है, जा करके उस ऊंटनी वाली से वाले से कहती है, ऐ ऊंटनी वाले, ऐ शुतरबान, याद रख उम्मुल मोमिनीन का हुक्म है, ऊंटनी को रोक दे और पाजेब निकाल दे। अम्मा जान का हुक्म कौन टाल सकता था? उसने फौरन ऊंटनी रोक दी, ऊंटनी रोकने के बाद पाजेब निकाल दिए, निकालने के बाद आया उम्मुल मोमिनीन के पास, अम्मा जान आपने पाजेब निकालने का हुक्म दिया। उम्मुल मोमिनीन कहती है, ऐ शुतरबान, ऐ ऊंट चराने वाले, जिस आवाज को मेरे महबूब ने नापसंद किया है उस आवाज को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? जो आवाज मेरे महबूब को तकलीफ पहुंचाती थी उस आवाज को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? इसलिए पाजेब में घुंघरू न डाल,
डाल और उसको ऊंट के पैर में न डाल, तो वो कितनी सादगी से कहता है। देखो लोग कितने सादा होते हैं, बड़ी सादगी से कहता है, अम्मा जान ये ऊंटनी तो जानवर है, जानवर को घुंघरू पहनाने पर क्या गुनाह हो सकता है। अल्लाह हू अकबर, तवज्जो करें, अम्मा जान ऊंटनी तो जानवर है, तो जानवर पे तो कोई शरीयत का हुक्म नहीं है, जानवर को पाजे पहनाने पे क्या हो सकता है। उम्मुल मोमिनीन का जवाब सुनो, फरमाती है नादान, ऊंटनी तो जानवर है जानवर, मगर तू तो जानवर नहीं है, तू तो इंसान है। जिस चीज को हमारे महबूब ने नापसंद किया है, मोहब्बत का तकाजा है कि उस चीज को हम भी नापसंद करें। अब आपसे पूछना चाहता हूं, हुसैन के नाम पर बच्चे जान माल सब कुर्बान करने की बात करने वाले मेरे जवान, मुझे बता कि यजीद बांसुरी की आवाज सुनता था, यजीद ढोल की आवाज सुनता था। मौला हुसैन इस गैरत के साथ आए थे कि जो आवाज मौसीकी और म्यूजिक की मेरे नाना को नापसंद थी, यजीद प्रमोट कर रहा है, हुसैन ने उसको नापसंद करते हुए उस आवाज के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, एहतजाज दर्ज कराया, घर के घर लुटाया। हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, बताओ ये जो कानों में एयरफोन लगाकर रोजाना गाना सुन रहे हो, कारों में सफर करते हुए जो गाने सुनते हो, और वो भी इतने गंदे गंदे गाने जो इंसान की शहवत को उभारे, जो इंसान को गुनाहों पे उभारे, क्या भूल गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बारिश के बरसने पर जैसे सब्जा पैदा होता है, वैसे म्यूजिक की आवाज की वजह से इंसान के दिल में निफाक पैदा होता है। मैं ये तो नहीं कहता कि लोग मुनाफिक हो गए, मगर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, म्यूजिक सुनोगे तो दिल में निफाक पैदा होगा। और निफाक किसको कहते हैं? जबान पर कलमा है और दिल में कुफ्र है, ये निफाक है। निफाक किसको कहते हैं? कि जबान पे कलमा हो और दिल में कुफ्र हो। और ये किससे पैदा होता है? ये म्यूजिक की वजह से। बताओ शादियों में म्यूजिक बजाते हो, गाड़ियों में म्यूजिक बजाते हो, और अल्लाह अकबर रात के दो दो तीन तीन बजे तक म्यूजिक में डूबे रहते हो, जानते म्यूजिक का अंजाम क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल, तुम्हारे और मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में म्यूजिक की आवाज सुनी होगी, जिसने दुनिया में कानों की आवाज सुनी होगी, कयामत के दिन उसके कान में शीशा पिघला करके डाला जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने घर के गरम के हुए तेल को अगर कान में डालो और तेल ज्यादा गर्म हो जाए तो आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने आप पे रहम करो, तुम मुसलमान हो मुसलमान, नबी ने जो कह दिया वो हक है, नबी ने जो कह दिया वो सच है। जहन्नम की आग से, जहन्नम की आग पर पिघलाया हुआ शीशा जब कानों में डाला जाएगा, उस वक्त क्या बनेगा? मुसलमान होना, कलमा पढ़ा हो, कलमा पढ़ा है ना, तो कलमे का तकाजा तो पूरा करो। यजीद और हुसैन में फर्क क्या है? यजीद कलमा पढ़ के कह रहा है सब चलता है, और हुसैन की फिक्र ये है सब नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे नाना की शरीयत चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जाजपुर वालों मुझे बताओ, तुम कौन से मुसलमान बनना चाहते हो, यजीद की फिक्र वाले या इमाम हुसैन की फिक्र वाले? इमाम हुसैन की। यजीद कह रहे कलमा पढ़ो सब चलेगा, हुसैन पाक कहते सब नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे नाना की शरीयत चलेगी। किसके साथ हो आज? कहते हो अरे सब चलता है, ये तो यजीद की बोली है। जिना करो सब चलता है, यजीद की बोली है। शराब पियो सब चलता है, यजीद की बोली है। मस्जिद वीरान करो फिर भी जन्नत में जाएंगे, यजीद की बोली है। हुसैन पाक की ये बोली नहीं है। हुसैन पाक कह रहे सिर्फ एक चीज चलती है बस, वो मेरे नाना की शरीयत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत है। आओ, बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी अल्लाह के अज़ाब। आका फरमाते जहन्नम की आग का बना हुआ शीशा गाना सुनने वालों के कान में डाला जाएगा। और एक बात आपको कहूं, आज पूरी दुनिया में अगर तवज्जो है
आप शोर नहीं कर रहे तो मेरी बात पे तवज्जो, जो शोर कर रहे उन्हें करने दे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इमाम हुसैन की महफिल है, अल्लाह की अता से हुसैन देख रहे हैं कौन चुप है, कौन सुन रहा है, कौन शोर कर रहा है। बात अपनी अपनी, और उनकी महफिल में आने वालों, नाम हुसैन का मामला ये है, हुसैन पाक का नाम लो तो तकदीरें बदल जाती है। हाँ, ये कोई मुशायरे की महफिल नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये कोई ओट और नोट की तकसीम की महफिल नहीं है मेरे भाई। ये मौला हुसैन की महफिल है, जो बादशाह दुनिया का बादशाह नहीं था, वो बादशाह घर, जिसको प्यार से देख लिया उसको बादशाह बना दिया, जिसको प्यार से देख लिया उसको ताज अता कर दिया। गौर से सुनो, करबला सुनने आए हो, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के घर खतरे में। दिन को घर अच्छा वाला नजर आता है, शाम होते होते वही घर जमीन में धस जाता है, जमीन बोस कर दिया जाता है। लोग कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हो, कनाडा में कर रहे हो, बर्तानिया में कर रहे हो, हमारे मुल्क में कर रहे हो, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं उनकी ताईद नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे सामने है नहीं, मैं उनसे कोई बात नहीं कर रहा। मैं बात तो आपसे करूंगा क्योंकि आप मेरे सामने बैठे, जो सामने ना हो उससे बात करना बेवकूफी है। जब वो सामने होंगे, अल्लाह तौफीक देगा, तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं। मगर उनसे भी दो जुमले कहता हूं, इसलिए कि दीवारों को कान होते, अल्लाह करे इन दीवारों के कान के जरिए किसी के कान तक बात पहुंचे। लोगों को पता होना चाहिए कि जो चूटी का घर उजाड़े चूटी का, अल्लाह चूटी का घर उजाड़ने वालों के भी घरों को वीरान कर देता है। इंसान के घरों के दुश्मन न बनो, अगर तुम किसी के नशेमन पे बिजली गिराओगे तो अल्लाह तुम्हारे नशेमन को भी खाक में मिला देगा। ताकतवर तुम नहीं हो, ताकतवर सिर्फ अल्लाह है। जिस वक्त यजीद ने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ा तो यजीद खुश था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना, नारा तकबीर, दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व सहबी व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो यजीद खुश था, मैंने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ दिया, पूरा घर काट दिया, अब हुसैन की नस्ल नहीं रहेगी। मेरे लिए रास्ता क्लियर हो गया, जो मेरी राह में रुकावट बन रहा था मैंने सबको काट दिया। लेकिन वो 8, 12 या 14 बेटों का बाप था यजीद, 8, 12, 3 रिवायतें, या 14 बेटों का बाप था, और हटते कटते बेटे रखता था। और हुसैन की नस्ल के बारे में उसको ये बुग्ज था कि मैं, मेरी हुकूमत में जो चीज रुकावट है मैंने खत्म कर दिया। मगर कुदरत ने बताया, यजीद तू ताकतवर नहीं है, ताकतवर अल्लाह है। 14 बेटे छोड़ के मरा था, आज नस्ल नजर नहीं आती। हुसैन एक बीमार छोड़ के गए, कोई मोहल्ला नजर नहीं आता जहां हुसैन की औलाद मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जमीन के अंदर भी अच्छे अच्छे औलादे हुसैन सो रही है, और जमीन के ऊपर भी अच्छे अच्छे औलादे हुसैन नजर आ रही है। तो अर्ज ये कर रहा था, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनकी ताईद नहीं करता। आप मगर सुने, क्योंकि मेरे सामने आप हैं, आपके घर खतरे में। दिन में घर ऊंचा दिखता है, नीचे बाद में खत्म हो जाता है, वजह उसकी हदीस सुनो। आज से 1450 साल पहले घर उजड़ने, घर बिखरने, घर धसने, जलजले आने या किसी का घर टूट जाने की वजह बयान फरमाई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं, जब तुम गाने म्यूजिक और शराब में डूब जाओगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने नकल किया है, तवज्जो करना। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम गाने और म्यूजिक के अंदर और शराब के अंदर डूब जाओगे तो अल्लाह रातों रात तुम्हारे घरों को जमीन में धसा देगा।
रातों रात तुम्हारे घर जमीन में धस जाए। आज 16-16, 17-17 साल की उम्र के मेरे नौजवान फिल्म देखकर, सीरियल देखकर नशे की तरफ जा रहे हैं, म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, जिना फैशन हो चुका है। इमाम हुसैन इसी के खिलाफ तो खड़े हुए थे, अगर ये सब करते हो तो हुसैनी नहीं हो तुम, चाहे जो बन जाओ। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, अपने आप में डूब कर सोचो। अगर मस्जिद को तुमने वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, फज्र की नमाज में सोते पड़े हो तो आप 7 समंदरों का भी शरबत बना लो। तवज्जो करना, लोगों को मेरे जुमले तलख लगते हैं लेकिन कोई कुछ कहे मेरे बारे में हकीकत है। 7 समुंदरों का शरबत बना लो, इमाम हुसैन के नाम पे बांट दो, लेकिन अगर तुम दीन मिटाओगे और शरबत बनाओगे तो इमाम हुसैन उस शरबत को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उस शरबत को तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने बिल फर्ज सारी जिंदगी शरबत बनाया भी नहीं, शरबत पिलाया भी नहीं, हत्ता के शरबत का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इमाम हुसैन जिस दीन को बचाने चले थे, अगर उस दीन की हिफाजत के लिए तुमने कुर्बानी दी तो इमाम हुसैन कयामत में तुम्हें सीने से लगाएंगे। मेरे अजीज, मेरे भाई, आओ इमाम हुसैन के मिशन की तरफ तवज्जो करें। तो अर्ज ये कर रहा था, आजकल 16-16, 17-17 साल की उम्र के मेरे नौजवान इसी तरह शराब की तरफ, जिना की तरफ, जराइम की तरफ, म्यूजिक और गानों की तरफ जा रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। मेरे अजीज भाई, अल्लाह के अजाब को दावत न दे, अल्लाह के गजब को दावत न दे। ये जो आप सोचते है ना कि हम लोग कुछ भी करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, मेरे भाई, मेरे अजीज, ये दुनिया है दुनिया, ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया गद्दार है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया से दिल न लगा तू कुछ भी कमाएगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कितना भी जमाएगा, मगर याद रखना, अगर तूने आखिरत की तैयारी न की, अगर तुमने आखिरत की तैयारी न की, सब दुनिया ही के अंदर धरा के धरा रह जाएगा। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनत दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। मेरे भाई, क्या तू मेरे आका की वो हदीस भूल चुका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर शराब का सिर्फ एक घूंट पिया होगा, जब वो मर के कब्र में जाएगा तो उसका मुंह सुअर की तरह कर दिया जाएगा या बंदर की तरह कर दिया जाएगा। आओ मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग के हाथ पर, एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की थी। अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुन लेना, एक कफन चोर ने एक बुजुर्ग के हाथ में तौबा की थी। उस बुजुर्ग ने उस कफन चोर को तौबा करवाई और तौबा करवाने के बाद कफन चोर से पूछा, ए कफन चोर, अब तू मेरे हाथ में तौबा कर चुका है, तूने कितने कफन चुराए? उसने कहा, हुजूर, मैंने तो हजारों मुर्दों को नंगा किया, उनके कफन चुराए। मुसलमानों के कफन चुराए? जी, मुसलमानों के कफन चुराए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, सच सच बताना, ए कफन चोर, सच सच बताना कि तूने जब मुर्दों के कफन चुराए तो कितने मुर्दे थे जिनके चेहरे मरने के बाद कब्र में किबले की तरफ थे? ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुनना, थोड़ा मिंबर वालों से भी तवज्जो चाहता हूं। बात ना करें, बहुत नवाजिश होगी आपकी, मैं आपकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी दुआएं जरूर ले सकता हूं, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। मेरी बात गौर से सुने, मैं एंड की तरफ बात को लेकर के जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कफन चोर से बुजुर्ग ने पूछा, तूने हजारों मुसलमानों के कफन चुराए, ये बता कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले की तरफ थे और कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे? तो उसने कहा, हजरत, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अब तो मैं आपके हाथ पे तौबा करके नेक बन चुका हूं। अगर मैंने 100 मुर्दों की लाश को खोला, 100 मुर्दों की कब्रों को खोला और उनकी लाश को मैंने नंगा किया, तो 100 मुर्दों में से 99 मुसलमान ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। 100 मुर्दों में से 99 मुर्दे ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। एक मुसलमान मिलता था 100 में एक जिसका चेहरा किबले की तरफ होता था। उस बुजुर्ग ने अपने पीर और मुर्शिद को खत लिखा, हुजूर ये बताएं, अल्लाह हू अकबर, हुजूर ये बताएं, हुजूर ये बताएं कि मरने के बाद लोगों के चेहरे कब्रों में क्यों फिर जाते हैं, कब्रों में क्यों फिर जाते हैं? बुजुर्ग ने लिखा, बेटा, जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, जो लोग दुनिया